doing ongoing thing. हो चुका है अगला दिन और शुरू करते हैं आज का व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस. मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ध्रुव. आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी स्पेशल क्योंकि मैं आया हूं एक बहुत स्पेशल जगह जो कि पड़ती है साकेत पीवीआर में. एंड एक्चुअली एक हेल्प होगी जहां पे मैं आज ये वीडियो शूट करने वाला हूं उनके लिए जो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. मैं ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगा, मैं सीधा ले कर चलता हूँ आपको जहाँ मैं आया हुआ हूँ. तो चलिए शुरू कर. तो गाइज़ आ चुका हूँ मैं अंदर जहाँ पे मेरे को दिखाना था आपको मैं कहाँ आया हूँ आज व्लॉग शूट करने. तो ये है हमारे साथ हमारे पवन भैया. नमस्ते. ये एक्चुअली मैं जहाँ आया हूँ मैं एक पहले आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ किस तरफ आया हूँ मैं. सो एक्चुअली ये है एनजीओ, एक डॉग का बनाया है हमारे पवन भैया और हमारी आंटी इसे संभालती हैं. तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक और हमारा. क्या नाम है इसका? इसका नाम बिजली है. बिजली सबके नाम रखे हैं? सबके नाम रखा हुआ है. ये जो आप जो देख रहे हैं चुन्नू मुन्नू नाम है इनका. अच्छा, कालू नाम है. कालू वो हनुमान जी है, वो रामू की बहन है सावली. अच्छा, गाडू है नीचे मोटी है. अच्छा हाँ, ये बिल्ला है. ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्ला है. बिल्ला है हाँ. ये पूसी है. पूसी हाँ. कुर्सी पे चेयर पे जो बैठे हुए जो देख रहे हैं ये रामू है. अच्छा, ये रामू है. हाँ ये हमारे रामू काका है. और ये लालू. तो ये जुग्गी बनाए हैं अभी. अच्छा. ये जुग्गी बनाए हैं क्योंकि डॉग्स का हम लोगों को रहने के लिए काफी परेशानियां होता है. हाँ. जिसमें कि आपका ज्यादातर हाथ है क्योंकि आप आते हैं, आप अपने लिए कुछ नहीं करते हो, वीडियो से भी आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप तो मुझे हेल्प डॉग फूड कभी कुछ आपने आके देते ही हो. तो इन पब्लिकों से हमारे यार भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना मदद हो सके भैया को आप दे सकते हैं, भैया हम तक पहुंचा देते हैं. ये जो आप जो देख रहे हैं इनमें पेटीगिरी है. पेटीगिरी हाँ. ये राइस है, इनमें राइस भरे हुए. अच्छा. इनमें राइस भरे हुए, इसमें बिस्किट, डॉग्स का कुछ ऐसे सामान, कपड़े वपड़े जो होते हैं ये सब रखे हुए हैं. ये जो आप जो देख रहे हैं ये रोज पर डे हमारा बिस्किट लगता है. अच्छा. पर डे 20 kg, 25, 30 kg के आसपास पेटीगिरी हम डाल देते हैं. अच्छा, पर डे इतना लग जाता है? हाँ. तो अगर मैं बात करूँ कितने हम डॉग्स की देखभाल करते हैं यहाँ पे? मेरे पास अनलिमिटेड होता है. जैसे ठंड आ जाएगा तो 300 भी हो जाएगा, 400 भी हो जाएगा. अच्छा. कोई यहाँ ठिकाना नहीं रहता है. अच्छा. हाँ. ये जो आप जो देख रहे हैं मेडिसन है. ये मेरा ये जो है अभी जुग्गी बना है तो इस मारे ये फैला हुआ है. बाकी ये अभी तय लगाएंगे, सब कुछ को तरीके से रखेंगे. ये मेडिसिन रूम है, इसमें मेडिसिन रखते हैं. इनकी मेडिसिन वगैरह की कौन देख? मैं खुद ही करता हूँ. जो मेरे से हो सकता है नॉर्मल जो है वो मैं कर लेता हूँ. अच्छा. बाकी जो ऐसा खतरनाक चीज है वो मेरे से नहीं हो पाता, जो मैं फ्रेंडी कोच लेके जाता हूँ. अच्छा. इसमें भी जो देख रहे हैं आप, इसमें मेरा सुई, रेंटेक, मेलोमैक्स, कई प्रकार के जो दवाइयाँ जो है, कीमती दवाइयाँ जो है इनमें होते हैं. हाँ. जो छोटा मोटा नॉर्मल अगर तत्काल के लिए मुझे वो करना होता है तो ये सब रखे हुए हैं मैंने. अच्छा अच्छा. हाँ, तत्काल के लिए ये सब. इनमें जो देख रहे हैं ये हाथों से अपने पीस के नीम का पत्ते, हल्दी, ये सब करके घोल बना के लगाते हैं हम इनको. तो इनको वैसे मैंने देखा है बाहर जो है हमारे डॉग, उनको बाहर खुले में रखो, इनको इसके अंदर क्यों रखा हुआ है? ये भैया ये इसलिए रखे हैं कि पब्लिक को, ये पीवीआर कॉम्प्लेक्स है, इसमें आने जाने वाले पब्लिक को, सब डॉग्स और सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं. क्योंकि कुछ अब मुझे तो हिम्मत बंधा हुआ है कि जो कितने अच्छे डॉग है कौन क्या हो सकता है, तो सब एक जैसे दिल का नहीं होते, कुछ डरते भी है लोग बाग. तो कुछ डॉगों को हम केज में रखते हैं जो बदमाशी करने वाले बदमाश है. हाँ. और कुछ डॉग ऐसा है कि जो देख रहे हैं आप खुला रहता है, ये कुछ नहीं करेगा, ये सब अपने अपने जगह रहते हैं. ये हमारा रूम है. हाँ, ये देख रहे हैं आपके पर्सनल बॉडी गार्ड है. हाँ.
इसमें क्या है, हमने राइस सर्व किया, तो डेली की क्या इनकी डाइट रहती है? डाइट इनकी रहते भैया 20 केजी तो चावल लगना ही लगना होता है पर डे, 10 किलो छाटन लगना ही लगना होता है, जिसमें कि कुछ जो हमारा है डोनेट कार्ड जो है थोड़ा पेटीगिरी कुछ ना कुछ भेजते ही रहते हैं। तो आप लोग तो जैसे कि आपके कोई क्लाइंट आपको दे दिए कि हाँ भैया ये वहाँ तक पहुँचा दीजिए, जैसे कि आप आते हैं कभी पेटीगिरी कभी कुछ आप जो देते रहते हैं, तो ये आपके हाथ में पब्लिक देते हैं तो ये हम तक पहुँच जाता है। छोटू, इसका नाम छोटू है, इसका नाम सुंदरी है, हाँ ये बिल्ला का भाई है। वैसे मैं अगर बात करूँ, मैं तो यहाँ पे काफी आता हूँ, दिन में एक दो चक्कर मेरे लग ही जाते हैं। हाँ। बट मैं आपको एक दिखाता हूँ, यहाँ का एक स्पेशल डॉग जो मेरे ख्याल से 27-28 साल का है। हाँ। उससे एक बार मैं मिलवाता हूँ आप सबको, आप भी देख के हैरान हो जाएंगे कितना ज्यादा यहाँ पे हेल्दी है वो। ऐसा नहीं है कि 27 साल का हो गया और छोटी सी जगह में रह रहा है तो कमजोर होगा, बिल्कुल हेल्दी है। तो मेरे को जिनसे मिलवाना था वो है हमारी अम्मा, फेवरेट अम्मा, इनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ एंड मैं आपको डायरेक्टली उनसे ही बताता हूँ, उनके मुंह से ही सुनवाता हूँ कि क्या उनकी स्टोरी रही है, कब से वो यहाँ पर हैं, कैसे वो देखभाल करती हैं सब पपीज़ की यहाँ पे। तो चलो सीधा आंटी से ही बात करते हैं एक बार। अम्मा दिल्ली में आई भाई सन 84 में। अच्छा, सन 84 में आके यहाँ कोठी में दो चार कोठी में काम करती थी, हमको हिंदी आता नहीं था, अब बड़ो दिक्कत हुआ था हमको। उसके बाद धीरे धीरे एक सरदार के घर में काम करी, हमको हिंदी आने लगा थोड़ी थोड़ी, तो सरदार के घर 155 नंबर में काम करी सरदार के घर में, उनको लड़का के आइसक्रीम के दुकान था अनुपम पे, तो बोले हमार माँ का तुमको 200 रुपये महीना का देते हैं और दुनिया भर काम कराते हैं, आपको दुकान लगा दूँ चाय का। चाय के दुकान लगाने के बात करते, चाय के दुकान हमें लगाए रेडी बिक रहे, पहला लगाए मैकडोल के पास, वहाँ पुलिस वाला परेशानी करे, फिर बनाई है पीवीआर के इधर, ये भी पुलिस वाला परेशानी करे, फिर पीवीआर का आगे लगाई वो भी परेशानी करे, पीछे ले जाए यहाँ पर तो लैट्रिन बाथरूम था लो सफाई करके यहाँ मोटा जी रेडी लगाई पुलिस वाला से लड़ के झड़ के बना, पुलिस वाला तंग कर रखा हमको शुरू से, लड़ झड़ के यहाँ दुकान लगाई, दुकान लगाते 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 मेरे को डॉग से प्यार, गांव में था डॉग से प्यार था, डॉग से जानवर से प्यार, और गांव से आया कलकत्ता में थोड़ी बहुत डॉग के उनको खाना वाना खिलाती थी, वहाँ भी था 12 साल वहाँ काम करके आई, और हम ये बहुत गरीबी औरत था, मैंने हमारा पति काम नहीं करता था, हमी बच्चा बहुत मुश्किल में पाली, और आजकल का बच्चा अभी तो माँ के नहीं पहचानते ना बाप को पहचानते ना, हमी अपना पति के छोड़ दिया बहुत काफ़ी साल पहले, 50 साल पहले भी हमारे पति के छोड़ दिया, जब हमी कलकत्ता में शुरू में काम करती 20 रुपया में, उस टाइम ही छोड़ दिया मेरा आदमी के, अब अपना हिम्मत से काम करे, अभी यहाँ चाय के दुकान करी, धीरे धीरे यहाँ एक एक डॉग आते रहे और डॉग एक एक आते आते तो इनको खिलाते पिलाते, इनके मोटा देखभाल करते, इनके सब कुछ करते, मतलब दिक्कत उठाए यहाँ पुलिस वाला MCD वाला पार्किंग वाला बोल लड़ के झड़ के सारा तोड़ ताड़ के ठीक में हमने अपना परेटा बनाए, चाय बनाए, बेट पकौड़ा बनाए, यहाँ पकौड़ा पकौड़ छेकी बहुत बहुत मजबूरी में यहाँ पकड़ा दी, पैसा कमाई हुई, पैसा कमाते कमाते अभी थक गई, और हमारा ज़्यादा ज़्यादा पहले बच्चा के थोड़ी देखती थी बच्चा के बड़े गरीबी था, अभी हमारे पति को काम नहीं करता था, शुरू से काम नहीं करता था, गरीबी था, बच्चा दिन दिन बड़ा है, उनको शादी ब्याह कराई सब कुछ कराई,
अपनी शादी ब्याह करने के बाद बच्चा सब अलग हो गया, माँ के तो छोड़ दिया, माँ के पास रहते नहीं यार, अपना बीवी बीवी लिया रहते हैं। और अभी ये भी कर दिया गांव में बच्चा के लिए बहुत कुछ कर दिया, हम बोलो के मोटाड़ी गुजारी हो जाएगी, हमारा छड़ा उनको गुजारी हो जाएगी। और इसका मतलब अभी जे बच्चा मतलब बड़ो वाला लड़का यहाँ आके रोते है, हमारे साथ देते है, थोड़ी बहुत डॉग वॉग के सेवा करता है, वो हमसे ज़्यादा चीज पड़ता है, वो हमको देख नहीं पाते है, उल्टा सीधा बोलता है, अच्छा नहीं लगता। आज जो आया था ऐसे चले गया, मोटाटी गांव जा रहे, मोटाटी अभी कोई बच्चा साथ नहीं दे रहे, हमारा मेरा बच्चा कोई साथ नहीं देना चाह रहे। और अभी अभी थोड़ी उम्र हो गया, मेरा तभी देता ठीक नहीं रहते, आजकल का तबीयत कभी कभी खराब हो जाता है, ज़्यादा परेशानी हो जाता है, कभी पैसा होता कभी नहीं होता, ये जुगी लिया था टूट गया था, और हमारे कहते पैसा नहीं था, टाइम से इंडिया में फोटो आया था तो बंदा कोई कोई 5-5 हज़ार डाला, कोई 2 हज़ार डाला, कोई 4 हज़ार डाला, कोई 1 हज़ार डाला, डाल डाल के इसका इकट्ठा करके ये फट्टा वट्टा लगा के कुनर का पनी लगा के जुगी बना दिया, बना दिया अभी 2-4 साल चल जाएगी आराम से, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। किंतु मेरे कहते इतना जानवर के जब खाना खिला रही रोड में देखना पड़ता, यह दवाई पानी भी करना पड़ता, बिजनेस का लोग के रास्ते जो उनको पैसा भी नहीं, कोई काम नहीं करता है, बिना पैसा में कोई तनखा, बिना तनखा में कोई नहीं काम करता है इसका, तो इसीलिए पैसा वैसा हमारे कहते ढंग से नहीं हो रहे, ना मेरे का कोई सरकार दे रहे, ना कोई पब्लिक सिटी जैसे ही हेल्प कर रहे थे, वही कोई चावल भेजा रहे, कोई पेटिगिरी भेजा रहे, कोई कुछ भेजा रहे, तो पब्लिक सिटी रूप से चल रहे। और हम ही अपना एक दुकान था, छोटा सा दुकान है, और इसमें गुजारी कर रहे हैं। और पहला हमके मेडल मिले, नाम मिला था लखनऊ में, हमें नाम मिला था, टाइम से इंडिया में भी साथ में एक बार फोटो निकालता है, थोड़ी बहुत आ जाता है पैसे वैसा कभी कभी, और ऐसे ही कोई मैंने मोटा पैसा हमारे कहते आई नहीं, मोटा दूगी बुगी लिया, ऐसे बारिश में पानी 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 वानी लगा के ऐसे ही बारिश आ जाता तो यहाँ पानी तो सारा आ जाता होगा ना, सारा अपना आ जाता है, बड़ो मुश्किल में है मोटा अपना टाइम पास कर रही, क्या पता कब तो हमें इनके साथ टाइम पास करवो, करते करते हमारा टाइम तो खत्म हो जाएगी। अभी हमें मरने के बाद हमारा ये जो हमें जैसे बना रखा है, इनके सेवा कर रहे हैं, हमारा जगह जैसे कोई सेवा करने वाला हो और इनके देखभाल करने वाला हो, हमें उनको चाहिए। हाँ, हम आप क्या कहना चाहोगे आजकल के नौजवानों से? नौजवान से क्या बोले कि आजकल के नौजवान से कोई बात नहीं करना चाहते, वो लोग कोई कुत्तों को पसंद करते, कोई कुत्तों को नहीं पसंद करते, कोई अच्छा अच्छा कुत्ता घर से निकाल देते, ये देखो ये वाला घर से निकाल दिया, घर से 1 साल हो गया निकाल दिया। अच्छा, तो तब से आपके पास ही है? हाँ, अमर का। उसके बाद एक मुंह बड़ो मुंह वाला डॉग था, उसको भी घर से निकाल दिया, 3 महीना तो हम यहाँ रखा, खिलाए पिलाए, इलाज वलाज कराए, उसके बाद अभी किसी के डॉग कर दिया, उनको घर पे भेज दिया, क्योंकि अमर का ऐसी नहीं है, पंखा के तले रहते, अभी गर्मी कितना हो रही है, यहाँ पानी की परेशानी हो रही है, हमको कोई पानी सबले पानी लगाना चाह रहे, अभी इनके डॉग के लिए पानी खरीद, महीने में कम से कम पानी में बहुत पैसा लग जाता है वहाँ, अभी एक बार पानी भर गया तो 300 रुपये देना पड़ता है, माने महीना में कितना बार पानी भरता है, तो आप चिंता करो कम से कम 2-3 हज़ार 4 हज़ार का पानी भर जाता है। तो अभी सोच रहा था कोई ऐसे लोग कोई मिले हमारे लिए, ये पानी यहाँ सबले पानी लगा दे, मोटर वोटर लगा दो, पानी आ जाएगी, ऐसे ही हमारे कोई सहायता करे, पब्लिक सिटी कोई सहायता और ज़्यादा कर जाए थोड़ी बहुत, जैसे हम रोड में डॉग भी इस टाइम पता है रोड में ज़्यादा भटोले, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं होता, और हमारे पास इतना लड़का नहीं जब दिन में भी थोड़ी भेजाऊँ, एक ही लड़का है और रात को एक लड़का आता है, वो रात को बाहर खाना खिलाने जाता है, क्यों ना जिसका बोलते हैं वो 10 हज़ार का में कोई काम करना राजी नहीं है, तो मेरे का जब पैसा वैसा नहीं बैठा, अभी इस टाइम रात को एक टाइम में भी खाना देते बाहर का,
और दिन में तो यहाँ दुआ तीन बार दे देते, सामने आमने तो जितना आ जाते उनको खिला पिला देते। हम यही चाहते हैं कि कोई पब्लिक से कि हमारा थोड़ी मदद करे, हेल्प करे, जैसे हमको पैसे की जरूरत है, मेरे को कोई सामान की जरूरत है, डॉक्टर दवाई की जरूरत है, और महीना का कुछ पैसा भेजा है तो नगद चक्र के दे दे। ऐसे कोई हमको पब्लिक से की हेल्प करे तो अच्छा बात है, और नहीं हेल्प करे तो उनको बड़ो बड़ो मेहरबानी, हम तो किसी को जबरदस्ती नहीं ले सकते ना। सब पेपिया पेम में कोई भेजा है तो उसमें अभी खुश है, और जो दो रुपया भेजा हुआ, चार रुपया भेजा हो दान में, इनके लिए भेजा गया, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरा वह तो दवाई आता ही है, शुगर है, मेरा प्रेशर है, बीपी हाई हो जाता है, वो इलाज वलाज दवाई पानी चल रहे, अभी तो दो तीन बार मरते मरते बच गए, पता नहीं अभी कभी कब तो बची है, कब तो क्या करिए नहीं पता हमको। हमको यही पब्लिसिटी से हमें जब मर जाएगी सुन के सारा पब्लिसिटी ऐसे यहाँ संभाल लें, देख लें डॉग को, इनको अनाश नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ अनाश नहीं होना चाहिए, हमारा तो यही भरसा ऊपर वाला के बोले, हमारे बोले कोई ये नहीं यार, ऊपर वाला जैसे ही हमको जिंदा रखेंगे ऐसे ही जिंदा रहेंगे। आर पब्लिसिटी से हाथ जोड़ कर हमें यही बोलते हैं जे दया करे, मेहरबानी करके थोड़ी सी गरीब के एक एक रुपये दान दे दियो जी। हाँ, हमारी यही सबसे लास्ट, और बोलने के कोई हिम्मत नहीं हमारा। तो अम्मा कोई अगर मदद करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है मदद? बैंक का नंबर दे दो, पेटीएम नंबर दे दो, आ भी सकते हमसे, मिल भी सकते। अच्छा, हाँ मैं वो लोकेशन डाल दूंगा यहाँ। हाँ, यहाँ का सब खाने पीने का क्या यहाँ पे रहता है? खाने पीने के चिकन चावल बनता है शाम को टाइम में, आज दोपहर में कभी दूध डाल देते, कभी पेटीगिरी डाल देते, कभी बिस्कुट होता तो डाल देते, आज बिस्कुट डाला दिया था। अभी गर्मी में इतना खाते नहीं ना वो लोग, किंतु शाम को टाइम ही ज़्यादा खाना खा लें, चिकन चावल खा लें। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया अम्मा कैसे सबकी सेवा करती हैं, लगी पड़ी, और हमारे पवन भाई कैसे सेवा करते हैं यहाँ पे सारे डॉग्स की, पपी की। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके मदद कर सकते हैं पेटीएम के द्वारा या बैंक में ट्रांसफ़र करके, अम्मा की मदद कर सकते हैं, किसी और की मदद नहीं है, सिर्फ अम्मा की मदद है, ताकि वो अच्छे से देखभाल कर सके सब पपीज़ की, और सबको भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे। तो मैं अभी बैंक अकाउंट का नंबर डाल देता हूँ, पेटीएम नंबर डाल देता हूँ, एंड उसमें आप पेटीएम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आके मदद कोई करना चाहता है बिस्किट राइस या पेडिग्री के द्वारा कोई भी मदद करना चाहता है, आप आके कर सकते हो। बाकी मैं अभी आपको सारी डिटेल्स शेयर कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी सब डाल दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जो नंबर उसमें होंगे सिर्फ उसी में करना, और जो मैं आपको यहाँ पे फोटो में डालूंगा वही नंबर पे आप पेटीएम करना, और किसी पे भी आप पेटीएम मत करना, ना ही बैंक ट्रांसफ़र करना। और जो आके मदद करना चाहता है, पीछे है मेरे अनुपम पीवीआर साकेत, बिल्कुल उसी के सामने है अम्मा का, तो अम्मा की यहाँ पर आके मदद करें, बहुत नेक काम कर रही है अम्मा हमारी। 300 से 400 डॉग्स को पालना बहुत बड़ी बात होती है, हम एक भी नहीं पाल पाते, अम्मा 300 से 400 डेली पपीज़ की हेल्प करती हैं। तो इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बाय।